अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आप बहुत खुश होंगे क्योंकि जो बजट है वो कौमी असम्बली में जो है वो कल पेश कर दिया गया था। और नाज़रीन, जो मैंने अपनी प्रेडिक्शन की थी, जो मैंने एनालाइज करके आपको बताया था कि जो बजट में जो है सैलरी इंक्रीज़ होगी वो 30% से 35% के इर्द गिर्द इंक्रीज़ होगी। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप पिछली वीडियो मेरी जाके देख ले, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो 30 से 35 के राउंड अबाउट जो है वो सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होगी, गवर्नमेंट इसके इर्द गिर्द जो है वो सैलरी इंक्रीज़ करेगी बजट में। तो कल बजट जो है वो पेश कर दिया गया था, उसमें आपको पता है उसका हजम कितना रखा गया और उसके बाद जो है ग्रेड 1 से लेके जो 16 के ग्रेड तक है उनकी सैलरी 30 जो है वो 35% जो है वो इंक्रीज़ की गई, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक हफ़्ता पहले आपको मैंने प्रेडिक्शन करके बता दिया था। मेरी सबसे जो पॉपुलर वीडियो उसमें जाके आप देख ले, टॉप पे है, मैं लिंक भी दे दूँगा उस वीडियो को देख ले। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें हम 16 ग्रेड से ऊपर की, ठीक है, जिस तरह 18वें स्केल के हो गए 19 या 20वें स्केल के, तो उनकी जो है वो 30% हो गए और जो पेंशन है वो 17.5 जो है वो जो इंक्रीज़ की गई है। तो इस तरह जो ये बजट का कुल जो हुजम था वो 14,460 अरब जो था वो रखा गया था, दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए जो है मुक्त से किए गए थे और ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है वो 35% और ग्रेड 17 से ऊपर के जो मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाह में जो नाजरीन 30% इजाफ़ा किया गया, पेंशन में 17.5% इजाफ़ा हुआ। इसी तरह वफाकी कबीना ने मंजूरी इसकी जो है वो कल दे दी थी और उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन के लिए जो है वो 59 अरब 71 करोड़ और हाउसिंग एंड वर्कर्स स्कीम के लिए 36 अरब रुपए और 70 करोड़ जो है वो मुक्त कर दिए गए। उसके बाद तरक्याती जो काबीना ने है 1150 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती प्रोग्राम जिसमें PSDP की मंजूरी जो है वो भी दे दी थी। और उसके बाद जो है काबीना ने तवानाई शोबे के लिए जो है वो 86.4 है वो हजम जो है वो रखा था, 86.4 अरब रुपए जो रखने की मंजूरी है वो दे दी है। और उसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बात करें तो उसके शोबे की तरक्की के लिए 263.6 अरब रुपए की जो मुख्स करने की जो है वो मंजूरी दे दी गई। और तालीम के शोबे और आला तालीम के मैार के लिए जो जितने भी आपके जब तालीमी प्रोग्राम चलते हैं उसके लिए जो बजट रखा गया नाजरीन वो 81.9 अरब रुपये रखे गए हैं। अब पायदार तरक्की के अहदाफ के असूल के लिए प्रोग्रामों के लिए 90 अरब रुपए मुक्त से किए गए हैं। उसके मुल्क में $1,00,000 जो है लाने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछी जाएगी, वो मुल्क के अंदर लेके आएंगे। उसके बाद वफाकी कबीना का इजलास जो दिफा के लिए जो है वो 1804 और तरक्याती प्रोग्राम के लिए जो 1150 अरब रुपए की जो है मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद दोबारा वज़ीर आज़म शाह ने यह भी कहा है कि हम IMF के साथ जो है सर जोड़ कर बैठेंगे, हम IMF के साथ मुआहदा करेंगे, IMF के साथ दोबारा हम IMF से जो है वो किस्त लेंगे। मुआहदा ना होने के बावजूद भी IMF कर्जे के 2.5 अरब डॉलर तोहफे में शामिल हम जो पैसे हैं वो हमें नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम उससे मुआहदा करेंगे। नाज़रीन, ये अपडेट मैंने आपको पहले ही कर दी थी। अब मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि मुलाजमीन के लिए जो है ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और जो प्राइवेट अब जो वर्कर्स हैं, चाहे वो किसी मिल में काम करते हैं, कॉरपोरेशन में काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे कहीं भी काम करते हैं, तो नाज़रीन उनकी जो सैलरी में जो है वो 30,000 जो है वो मुक्तिस कर दी गई है, मतलब 30,000 जो है वो फाइनल कर दी गई है, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं या किसी भी कॉरपोरेशन में काम करते हैं। तो ये तो मैंने एनालाइज करके जो है आपको 2 हफ्ते जो है वो पहले ही बता दिया था कि ये कुछ जो है बजट पेश किया जाएगा। और आप देख लें कि वही कल जो है पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया और उसी के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ हुआ। तो नाज़रीन यार, मुझे बहुत दुख होता है, मैं आपके लिए टाइम भी निकालता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, आप देखें मेरी तबीयत भी ख़राब है, मौसम भी ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ यार। लेकिन आप वीडियो को मेरे को मुझे कोई आउटपुट नहीं देते, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते और ना ही शेयर करते हैं। तो यार, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और जो वीडियो को है वो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा। और अगर मेरी वीडियो आप चाहती है कि मैं आपके लिए मज़ीद जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट जो है, करंट जो हमारे मुल्क के अंदर सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड आपके लिए लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप जो चैनल को है वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो एक मैं न्यू अपडेट जो है वो आप तक उसको पहुँचाऊँ। और इंशाल्लाह नाज़रीन वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा जब तक मेरे अंदर जान है और जब तक मेरी सांसें चल रही है, तो मैं आपके लिए जो है वो 24/7 आवर्स अवेलेबल हूँ। लेकिन यार, आप भी आउटपुट दिए, आप भी मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और यार प्लीज़,
एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी चीज़ है, तो आप मुझसे जो है डिस्कस कर लिया करें, मैं आपको अगेन उसका कमेंट्स में आपके लिए 24 आवर अवेलेबल होता हूँ, आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। तो नाज़रीन ये तो था जो बजट जो कल पेश हो गया, उससे अलावा जो भी अगर किसी को कोई फिर भी इशू आ रहा है या कोई मसला है या किसी ने कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछनी हो किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड, तो वो मुझसे जो है टेक्स्ट कर सकता है या मुझे कमेंट्स में राय दे सकता है, अगेन मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह नाज़रीन आप मेरे एक फैमिली की तरह है, मैं हमेशा आपके लिए टाइम निकालता हूँ, चाहे मैं बिज़ी हूँ, चाहे मेरी तबीयत नासाज हो, मैं जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, मेरी भी एक यार लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, मसरूफियात है, लेकिन मैं आपके लिए वक्त निकालता हूँ और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।